हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस खेमे में टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। सूबे में 90 सीटों के लिए अभी तक 1500 से भी ज्यादा आवेदन आना ये दिखाता है कि इस बार प्रदेश की सीटों पर प्रत्याशियों का चयन करना पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है, और वो भी तब जब कांग्रेस दो गुटों में पहले से ही बटी हुई हो। भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा दोनों ही अपने करीबियों को टिकट दिलवाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि प्रत्याशियों को लेकर पार्टी में रार भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में चुनावों से पहले राज्य की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने वाली AICC ने हरियाणा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन और चुनावी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सुनील कानूगोलू और उनकी टीम को सौंपी है। ऐसे में आइए जानते हैं कौन है सुनील कानूगोलू और हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनावों में ये अहम भूमिका कैसे निभा सकते हैं। सुनील कानूगोलू कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार हैं। उन्होंने कर्नाटक में सिद्धरामैया और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बनाने का काम किया था। इतना ही नहीं, कानूगोलू ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ लोकसभा चुनावों में भी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने पार्टियों के बीच रार को खत्म करने और विधानसभा चुनावों में किसी भी तरह की हानि से बचने के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी सुनील कानूगोलू को दी है। लेकिन एक बात जो यहां गौर करने वाली है वो ये कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की दोस्ती जग जाहिर है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा कानूगोलू के साथ मिलकर उनके करीबियों को टिकट दिलवाने का काम कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए CM पद की लॉबिंग करना आसान हो जाएगा, और लोकसभा चुनावों की तरह भूपेंद्र हुड्डा इस बार भी अपने चहीते और करीबियों को टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे। वहीं अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस एक बार फिर बड़ी टूट का शिकार भी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उन पर टिकट बंटवारे को लेकर पक्षपात का आरोप लगाया था, जिसके चलते दशकों तक कांग्रेस का साथ निभाने वाली किरण चौधरी ने पार्टी का साथ छोड़कर BJP ज्वाइन कर ली थी। इसके अलावा कई नेता ऐसे भी हैं जो हुड्डा पर जुबानी वार करते हुए चुनावों के दौरान गलत टिकट बंटवारे का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि हरियाणा की राजनीति में कानूगोलू की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है।